दर्शकों कुछ प्रगति विश्वा और मैं हूँ प्रगति विश्वा। आज से पहले आपने पालक पनीर तो बहुत बार खाया होगा, मगर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव रेसिपी जिसका नाम है पालक छोले। तो चलिए बनाते हैं आज अपनी टेस्टी रेसिपी। सो फ्रेंड्स, पालक छोले बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप बॉइल्ड छोले, जिसे मैंने पानी में नमक डाल के अच्छे से बॉइल कर लिया था। ये हम ले रहे हैं एक कप। मेरे पास ये है पालक की प्यूरी, जिसे मैंने बनाया है। पहले पालक को अच्छे से पानी में धोकर उसे 2 मिनट बॉईल किया और उसके बाद ठंडा करके उसे मिक्सी में प्यूरी कर लिया। तो ये भी हमें चाहिए एक कप। एक कप हमें चाहिए टमाटर की प्यूरी, जिसे मैंने सिंपली मिक्सी में क्रश करके बनाया है टमाटर को। इसके अलावा हमें चाहिए, ये एक मिक्स है जिंजर गार्लिक और चिली का, जिसमें मैंने करीब 10 से 15 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे एक साथ मिक्सी में ग्राइंड करके एक क्रश प्रिपेयर किया है। ये करीब 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा हमें चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे करीब 4 टेबल स्पून और हम इस तेल को गरम करने के लिए रखेंगे एकदम। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल करता है, हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अपना जिंजर गार्लिक और चिली का क्रश। तो इसे भूनते हुए करीब 30 सेकेंड हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी प्याज और इसे भी चलाते हुए भून लेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ी ब्राउन हो गई है। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे हमारी टमाटो प्यूरी और साथ ही मैं डालूंगी इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो कोई भी मिर्च पाउडर आप यूज कर सकते हैं। और साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया है, यानी कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम अपने पालक की प्यूरी डालेंगे इसमें और इसे मिक्स करके कुक करेंगे करीब 1 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, पालक को पकते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है, तो अब अपनी गैस को लो करेंगे और अब डालेंगे इसमें हमारे बॉइल्ड छोले और साथ ही में मैं डालूंगी इसमें 1 कप पानी और इसे मिक्स करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी। करीब 2 कप पानी डाला है मैंने इसमें और अब हम इसे ढक कर कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर करीब 10 से 15 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपने छोले पालक को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें काफी पानी रिड्यूस हो चुका है, ये काफी गाढ़ा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की थिकनेस है, मैंने बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखा है, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। तो हमारा ये कुक हो चुका है, अब इसे फिनिश करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डाल के। इसे मिक्स करेंगे और चलिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म। सो फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म छोले पालक रेडी है, इसे मैं सर्व कर रही हूँ क्रीम से गार्निश करके। इसे एंजॉय कीजिएगा पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या चपाती के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे एक बार जरूर बनाइएगा। आई एम श्योर आपकी फैमिली में भी सबको ये बहुत पसंद आएगा। सो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।